सम्मानित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आप सबके गुरु गुरुजी आदरणीय श्रीमान गुरुचंद जी उपाध्याय, हमारे मंच पर हरियाणा फरीदाबाद से आए हुए इस देश के ऐसे हमारे समाज के बहुत बड़े संरक्षक और इस देश के अंदर सभी क्षेत्रों में अपनी अपना कीर्तिमान स्थापित कर व्यवसाय के रूप में भारत में बढ़ते हुए कदम के रूप में आए हुए हमारे भाई श्रीमान तेजपाल जी उपाध्याय, हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान नेंद्रीगौड़, हमारे बीच में रिटायर्ड दरोगा जी श्रीमान कालीचरण जी, श्रीमान नरेंद्र जी पत्रकार जी, श्री महेंद्रनाथ पत्रकार, श्री प्रदीप योगी जी, श्री मनोज खत्री जी, श्रीमान नेत्रपाल जी, श्री नरेंद्र जी कपड़े वाले श्री नरेंद्र उपाध्याय जी और यहाँ के ग्राम प्रधान पाल साहब और माननीय डॉक्टर नीरज जी, श्री मनोज खत्री जी और मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, इस उत्सव में आए हैं समस्त प्रबुद्धगण, स्कूल के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और सभा में उपस्थित महाशक्ति के रूप में बैठी हुई हमारी बहनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं जिससे हमको एहसास होना चाहिए कि आज के परिवेश में और अब से 72 वर्ष पहले हमारे साथ इस देश में शिक्षा का क्या स्तर था और स्तर क्यों खराब हुआ, उस दशा पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, सन 1973 में मैंने हाईस्कूल पास किया था और बच्चों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम बच्चों का शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उस समय हम लोग कक्षा चौथी पांचवी में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे और 10 पैसे फीस जाती थी और 10 पैसे फीस भी हम लोगों से दी नहीं जाती थी, इसकी तो उस समय हमारे समस्त समाजों की थी। आज तो सड़कें भी बन गई हैं, सब कुछ है, लेकिन उस समय की शिक्षा प्राप्त करना बच्चों में आपको बताना चाहता हूं कितना कठिन था। सुबह से शाम रात तक अपने परिवार का काम करना और फिर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना, और ऐसी तो सैकड़ों रातें गुजरी होंगे जिसमें हमने पूरी पूरी रात लालटेन जला करके पढ़े हैं, लेकिन आज तो सबके घरों में बिजली भी है, रोशनी भी है, हर गांव में सब चीज है। इसलिए इस देश को आजाद हुए 72 वर्ष हो चुके हैं, इस 72 वर्ष की आजादी में इस देश के अंदर एक ही परिवार का शासन 57 वर्ष रहा है। इस देश की शिक्षा प्रणाली को दूषित करने का कार्य, इस देश के अंदर समान शिक्षा लागू न करने का कार्य इस 57 वर्ष में इन गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है। जब 57 वर्ष के अंदर ये सब कार्य एक ही परिवार के लोगों ने नहीं किया, जबकि इस देश की शिक्षा प्रणाली में 57 वर्ष की 72 वर्षों में अभूतपूर्व अभूतपूर्व चेतना आनी चाहिए थी। इस देश के अंदर CBSE प्रणाली लागू कर दी गई और इस देश का जो गरीब जो किसान मजदूर जो खेत में मजदूरी करके अपने बच्चों को शिक्षा देता है वो अपनी प्राथमिक विद्यालय में जमीन पर बैठ करके कट्टा बिठाकर शिक्षा प्राप्त करता है।
आज देश के अंदर ये निर्णय ठीक हुआ है? इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश के गरीब को बर्बाद करने के लिए, इस देश के गरीब की गरीबी को अनदेखी करके इस देश के अंदर अब तक चल रहा था। लेकिन आपने अभी कुछ दिनों से देखा है कि भारत की सरकार भी बदली है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदली है। आपको महसूस हो रहा है क्या कोई बदलाव नहीं आया देश में? बताइए, बताओ कोई बदलाव देश में आया है? 5 वर्षों में नहीं आया है? आया है तो साथ ये 72 वर्षों की इस आजादी में जो 72 वर्ष में नहीं हो पाया वो केवल 4.5 महीनों में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों के बच्चों के लिए किया है। प्राचीन काल में आश्रम पद्धति पर स्कूल में बच्चे जाते थे और जंगलों में रहते थे, ऋषि मुनि उनको पढ़ाया करते थे, जिसमें और ऋषि मुनियों में सबसे बड़ा योगदान योगी समाज के ऋषि मुनि हुआ करते थे। और ये पद्धति हमारे गुरु गोविंद जी के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में लागू की गई थी। हम लोग अपने अतीत को भूल गए, लेकिन दोबारा से हम अपने उस अतीत को याद कर उस रास्ते पर आ गए हैं तो संभवतः हमारे समाज का भी, बच्चों का भी, और जो इस देश के अंदर गरीब बच्चे उनका भी भला होगा। मैं केवल बहुत ज्यादा न बोलकर ये बताना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर कई प्रकार की प्रणालियां शिक्षा की चलती हैं, हम मानते हैं कि CBSE स्कूल खोल दिए गए, CBSE स्कूल के अंदर गरीबों का कोटा निरक्षण इनका कुछ प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। अब इस देश के अंदर समान शिक्षा लाने के लिए 50 महीने तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुजर गए, लेकिन जो आगे 2019 में इस देश का पुनः प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है इस देश का जो बालक जमीन पर बैठता है वो जमीन पर नहीं बैठेगा, और जो CBSE में शिक्षा प्राप्त करता है उसके समान शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके समान बैठेगा, उसके समान सुविधा लेगा। इस देश के अंदर अगर कुछ अभूतपूर्व चेंज अगर करना है तो ये बच्चे जो छोटे छोटे पढ़ के हमारे आगे, कोई इन्हीं बच्चों में से IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई MLA बनेगा, कोई MP बनेगा, और अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश के अंदर सच्ची बात कोई नहीं बोलता, और जो सच्ची बात बोलता है उसकी बात को दबाया जाता है, उसको आगे बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। इसलिए अब देश के अंदर इतनी जागरूकता आ गई है, इस देश का प्रधानमंत्री पिछले वर्ग से है, आपके वर्ग से है, अति पिछले वर्ग से है, उसने अभी मेरे भाई ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब पढ़ने जाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, एक नदी पड़ती थी बीच में, नदी में पानी हुआ करता था, और अपने जूते और कपड़े सर पर रख करके नदी को पार करते थे, तब स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते थे, और लौट के पापा इसी तरह से पुनः अपने घर जाते थे। अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति बने, उनके पिताजी एक मछली पकड़ करके बेच करके अपने बच्चों का पालन करते थे, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उस विद्वान अब्दुल कलाम ने पैसा न होते हुए भी हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष करा। तो मैं कहना ही चाहता हूं अपने छोटे छोटे बच्चों से कि अपने जीवन में संघर्ष का रास्ता चुन लीजिए। जो व्यक्ति संघर्ष करना नहीं जानता, जो व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं अपने दावे से करता हूं, सिद्ध भी कर सकता हूं। साथियों, इसी प्रकार से हमारी माता और बहनों का इस शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान होना चाहिए। हमारी माताएं अपने बच्चों को स्कूल जब भेजती हैं तो उनको इस प्रकार की शिक्षा
इस प्रकार का आसर देना चाहिए कि जिस प्रकार से आज एक अखबार में लिखा है हरदोई का एक छोटा सा परिवार नलकूप चालक जो 1997 में जिसको 199 रुपए की नौकरी प्राप्त हुई थी, नलकूप चालक उसने 199 रुपए की नौकरी करके आगे बढ़े और अपने जीवन में संघर्ष किया। आज उसका बेटा मध्य प्रदेश के अंदर एक जिले का डीएम आईएएस है। एक बेटा कल परसों ही पीसीएस प्राप्त करके अभी पीसीएस की नौकरी में जाने वाला है। एक बेटी दिल्ली में पीएचडी कर रही है। इस प्रकार से वो भाई बहन है वो भी उच्च शिक्षा छोटे से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका डीएम है, उसका पुत्र जिलाधिकारी है, उसने आज अखबार में अपने लिखा है कि मेरे माता पिता के पास पैसा तो नहीं था, लेकिन जो उनके आचरण और संस्कार हमें उन्होंने दिए, उस आचरण और संस्कार के कारण आज मैं जिलाधिकारी बना हूं। मेरा छोटा भाई पीसीएस बना है, मेरी बहन भी पीसीएस की तैयारी कर रही है, वो भी पीसीएस में सफल होगी। तो ऐसे आचरण हम लोग वो बच्चों को देने चाहिए। एक उदाहरण मान लिया, हम मृत्यु भी हो गई और हमारे मृत्यु के बाद हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं, तो वो ये कहे कि मेरे माता ने मेरे पिता ने इस प्रकार का आचरण मुझे दिया था तो इस देश में आगे बढ़ने के लिए मैं रोक नहीं सका। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी साथियों बच्चों का इस जीवन में संघर्ष को अपने माथे से लगा लो और जीवन में संघर्ष करते रहो। जिस चीज के लिए आप संघर्ष करेंगे वो आपको निश्चित रूप से एक दिन मिलेगा। मैं ये सिद्ध भी कर सकता हूं और कह भी रहा हूं इस मंच के माध्यम से। तो साथियों, राजनीतिक आदमी हूं, शिक्षा के क्षेत्र का एक कार्यक्रम है और मैं अपनी अपील हर जगह करता हूं। आप सभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ज्यादातर हमारा देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़े वर्ग से है। इस 72 वर्षों में किसी ने भी इस देश के प्रधानमंत्री को पिछड़े वर्ग का नहीं बनने दिया। एक ही परिवार का शासन रहा, चलता रहा डंडा पूरे देश में। इन गरीबों को नीचे बैठने को मजबूर कर दिया और गरीबों के बलाव अमीर के बच्चे जितने भी सीबीएसई स्कूल में इसी में बैठ करके और सोफों में बैठ कर पढ़ते हैं। इस देश की दूसरी प्रणाली को बदलने के लिए, ये सब कुछ बदलने के, गरीब को समान अधिकार समान शिक्षा देने के लिए 2019 का जो हमारा चुनाव आ रहा है, इसमें दोबारा प्रधानमंत्री बना के नरेंद्र मोदी को ये जितने पाकिस्तान है इसके 50 टुकड़े प्रधानमंत्री कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, दो नारे लगाऊंगा, सब लोग जोर से लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत।